लॉर्ड चैतन्य एंड हिज परसेप्ट, कुछ ऐसी पुस्तक का नाम था, कहाँ भक्ति विनोद ठाकुर अपने टाइम इंग्लिश में लिखी थी। तो तुम्हारा तारित श्री कृष्ण चैतन्य नवदीपे अवतार, तुम्हें तारने के लिए नवदीप में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो चुके हैं। तुम ही न कथा दीन ही न जान, तेरे जैसे बड़े पति तुम कहा कर लेना भव पार, उनको भव रूप सागर से पार कर दिया। आप सब ये याद रखो कृपा करके, यही जीवन का उद्देश्य है। और जैसे ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें मिली है ना प्रभुपाद कृपा से और गौर नित्या की कृपा से, पता नहीं 100 साल बाद लोगों को मिलेगी नहीं मिलेगी, भगवान जानते हैं। 100 साल पहले भी नहीं थी, अभी है। अभी हम सबको सीरियस बन करके इस अपॉर्चुनिटी का, इस अच्छे अवसर का लाभ उठाना चाहिए। तुम हे न कथा दीन ही न जान, करी लेना भव पार, इस भव रूपी सागर से पार कर दिया। गौर गौर भगवान बड़े दयालु, बहुत दया में है। ये स्वयं कृष्ण है। एक दूसरे भजन में कहा कि जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ, ये भजन भी बड़ा इसके साथ। अगर आप लोग भी बोल सको तो पीछे बोलो, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय जय श्री कृष्ण जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय द्वैत चंद्र जय जय जगन्नाथ सचिरानंद, जय जय जगन्नाथ सचिरानंद, त्रिभुवने पूरे जान चरण बंदा, त्रिभुवने पूरे चरण बंदा, नीला चले शंख चक्र गदा पद्मधा, चले शंख चक्र गदा पद्मधा, नदिया नगरे दंड कमंडलुका, नदिया नगरे दंड कमंडलुका, जय जय जगन्नाथ सचिदानंद, जय जय हो बोले पूर्वे रावण बदीला, के हो बोले पूर्वे रावण बदीला, गौलो के रा भैव बलीला प्रकाश करीला, गौलो के रा भैव बलीला प्रकाश करीला, जय जय जगन्नाथ सचिदानंद, जय 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 श्री राधार भावे एवे गौराया बता, श्री राधार भावे एवे गौराया, हरे कृष्ण नाम गौरा करीला प्रचार, हरे कृष्ण नाम गौरा प्रजा, जय जय जगन्नाथ सचिदानंद, जय जय सचिदानंद, वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा, वासुदेव घोष बोले से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ, जय और से कृष्ण से ही जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ सचिदानंद, जय जय
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna. वासुदेव ठाकुर महाभागवत वैष्णव गौर पार्षद कह रहे हैं, जगन्नाथ और सती माता के पुत्र सची नंदन आपकी जय हो, ऑल ग्लोरीज अनटू यू। जय जय जगन्नाथ सचिरा नंदन त्रिभुवने कोरे जार चरण, तीनों लोग आपके चरणों की वंदना कर रहे हैं, तीनों लोग हैं, अपर मिडल एंड लोअर प्लैनेटरी सिस्टम सब आपके चरणों की वंदना कर रहे हैं। त्रिभुवने कोरे जार चरण वंदन। नीला चले शंख चक्र गदा पद्मधार, नीला चल में भगवान ने क्या किया, चतुर्भुज रूप धारण किया, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। नीला चले शंख चक्र गदा पद्म धार, नदिया नागरे दंडक कमंड लुकान। पुरी में भगवान ने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए और नदिया में नवदीप धाम में भगवान ने क्या किया, दंड और कमंडल। अवतार भालो, अवतार भालो, ये जो अवतार है ना बड़ा ही दिव्य है। अगर ये जैसे एक भजन में वासु घोष ठाकुर ही कहते हैं, यदि गौर न है तब की है के मन धरिताम दे राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानात के। अगर गौर भगवान नहीं होते वासुदेव ठाकुर महाभागवत वैष्णव, बोलो शिला वासुदेव ठाकुर महाराज की जय। कहते हैं अगर गौर भगवान नहीं होते फिर क्या होता, किस लिए हम शरीर को धारण करते हैं, मतलब क्या शरीर का, कुछ नहीं। तबे की होते कीमन धरिताम दे, यदि गौर ना हो तो तबे की हो तो कीमन धरिताम दे राधार महिमा। जो राधा जी की भक्ति है ना उसकी कोई तुलना नहीं है, ना कोई राधा जी के बराबर भक्त हो सकता है ना कुछ उनके। राधा भाव सबसे ऊंचा भाव है भक्ति, वो केवल राधा जी का ही है। राधार महिमा प्रेम रस सीमा, राधा जी का जो कृष्ण से प्रेम है ना वो असीम है, उसकी सीमा ही नहीं है कोई भी। जगते जानात के, जगत को कैसे पता लगता, ये गौर भगवान ने ही ऐसा बताया। तो नीला चले शंख चक्र गदा पद्म धार, अभी भगवान ने नदिया नागरे दंड कमंड लुकार भगवान सन्यासी बन के। विष्णु सहस्त्र नाम में एक नाम भगवान का सन्यास का भी है, तो सन्यास नाम को भगवान ने सार्थक करना था, उस नाम को सार्थक करने के लिए भगवान ने सन्यास लिया। दंडक मंडल को भगवान को सन्यास लेने की क्या आवश्यकता है, हम लोगों को सन्यास लेना चाहिए और भक्ति करनी चाहिए। वो भगवान है, सबके मालिक हैं, सबके स्वामी हैं, सबके पिता हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च द्वरिणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। ये देवों के देव मेरे सब कुछ आप हैं,
आपके बिना प्रभु बिना कुछ नहीं। तो ऐसे भगवान भी संन्यास ले रहे हम लोगों के, हम मूर्खों को शिक्षा देने, हम जो मुंह माया फंसे हुए जीव है ना, नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं, पता कुछ नहीं क्या करना क्या नहीं करना, हमें शिक्षा दे रहे हैं भगवान अपनी आचारी प्रभु जीवे रे सिखाए अपने आचरण से, गौर भगवान जीवों को शिक्षा दे रहे हैं क्या, इस संसार से मन को मत लगाओ, मन को मेरे चरणों में लगाओ, भक्ति में लगाओ, गौर भगवान भक्ति के दाता है, भक्ति देने वाले हैं। तो भगवान ने शिक्षा देने के लिए अपनी आचारी प्रभु जीवरे सिखाए दंड कमंडल धारण किया, ऐसा सुनिया किसका होगा कोई, हम तो कुछ भी नहीं उनके आगे भगवान। उस समय हमारी जगन माता विष्णु प्रिया 16 वर्ष की, गौर भगवान थे 24 वर्ष के जब उन्होंने संन्यास लिया, और बड़ी घोर तपस्या की भगवान ने, ताकि हम भगवान की शिक्षा लेकर हम भी तपस्या करें और अपनी शुद्धि करें और अपने घर को गौलोक धाम को जाएं, वहां जाकर के भक्ति करें, भगवान की सेवा करें और आनंद से वहां रहे। तो फिर क्या कहा है? कि हो बोले पूर्वे रावण बतीला, कि पहले भगवान ने रावण को मारा था राम रूप में, जैसे गौर भगवान ने नित्यानंद जी को दर्शन दिए थे ना षडभुज, मैं ही राम मैं ही कृष्ण मैं ही गौर, षडभुज रूप में दर्शन दिए थे। केहो बोले पूर्वे रावण बदीला, गौलोकेरा भैभव लीला प्रकाश करीला, फिर ये त्रेता युग में किया, फिर द्वापर युग इससे पहले युग में भगवान ने गौलोक धाम के बारे में बताया, फिर भी लोग कुछ आकर्षित नहीं हुए, लोग इतने माया जाल में फंसे हुए गौलोक धाम की ओर आकर्षित नहीं हुए। गौलोकेरा भैभव लीला प्रकाश करीला, फिर श्री राधार भावे एवे गौरा अवतार, राधा जी के भावे गौर भगवान है, और क्या किया उन्होंने, हरे कृष्ण नाम गौरा करी ला प्रचार, हरे कृष्ण नाम जो है गौर भगवान ने प्रचार किया। और देखो गौर भगवान बड़े उच्च कोटि ब्राह्मण घर में प्रकट हुए, मिश्र परिवार, मिश्रा जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र, लेकिन उनके जो प्रधान अनुयायी थे मुसलमान थे या शूद्र थे। ये भगवान ने बताया कि जाति पाति शरीर की आत्मा की कोई जाति नहीं है, जो वैष्णव बन जाता है, अभी हरिदास कौन थे, यवन थे, और हरिदास जी भी इतने विनम्र, विनम्रता के मूर्ति, 192 राउंड रोध करते थे हरिदास दास को, 300,000 नाम, और मंदिर में नहीं जाते थे जगन्नाथ जी के, मैं शूद्र हूँ मैं यवन हूँ, लेकिन जगन्नाथ जी, आपको पता दो जगन्नाथ हैं, कौन जानता है, कोई किसी को पता नहीं, दो जगन्नाथ हैं, पता है किसी को, दो जगन्नाथ पता नहीं किसी को, इसको तो पता है, तो आपको नहीं पता, एक मायापुर वाले जगन्नाथ, चैतन्य कौन है, जगन्नाथ है, एक चैतन्य और एक मूर्ति रूप में बैठे हैं नीलाचल में, एक चैतन्य, एक चल जगन्नाथ, चैतन्य महाप्रभु चलते फिरते जगन्नाथ, अचल मूर्ति रूप में जो जगन्नाथ है, ये दो जगन्नाथ। तो जगन्नाथ भगवान रोज हरिदास ठाकुर के पास आते थे, उन्हीं बेचारे जाते थे विनम्रता के कारण मंदिर में, उनके लिए प्रसाद लाते थे, कितने दयालु हैं। और देखो झारू ठाकुर, जैसे मैंने कथा सुनाई आपको, वो शूद्र परिवार से थे, लेकिन ठाकुर की उपाधि उनको थी, बड़े महान वैष्णव, और अनेको वैष्णव हुए, एक थोड़ा ये महाप्रभु की देन, महाप्रभु बड़े उच्च कोटि ब्राह्मण घर में प्रकट हुए, लेकिन उन्होंने समाज में जो कुरीतियाँ जो दोष आ चुके थे उन सबको समाप्त किया। आज हम सबको अपनी लाइफ पूरी डेडिकेट करनी चाहिए गौर भगवान के मिशन के लिए, क्या संसार में हम उपलब्धि करेंगे, क्या अभी जैसे
बीच में एक वैष्णव की बात आती है कि शिवानंद सेन, शिवानंद सेन परम वैष्णव थे, वो बंगाल से प्रबंध करके वैष्णवों को पुरी में ले जाते थे, जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के लिए। तो एक जगह पहुंचे तो वहां पर शिवानंद सेन बड़े महान वैष्णव, बड़े परम वैष्णव। बोलो श्री शिवानंद सेन जी महाराज की जय। तो वहां नित्यानंद भगवान के लिए प्रबंध नहीं था, प्रबंध नहीं था, तो नित्यानंद भगवान क्रुद्ध हो गए। उस समय शिवानंद सेन की पत्नी वहां थी, शिवानंद सेन के तीन पुत्र थे, शिवानंद सेन के तीनों पुत्र मर जाए, भगवान ने श्राप दे दिया। पत्नी रोने लग पड़ी, भगवान ने श्राप दिया मेरे तीनों बेटे मर जाएंगे। शिवानंद सेन आए, क्यों रो रही है तू? ऐसे भगवान ने कहा हम भी मर जाए, हमने भगवान के लिए अच्छा प्रबंध नहीं किया, जाके भगवान के चरणों में गिर गए, परीक्षा ले रहे थे। जब क्रोध जिस पर करते उस पर कृपा होती है, तो भगवान के लिए कुछ भी मारा चला जाए। शिवानंद सेन ने कहा तीनों पुत्र मर जाए मेरे, मैं भी मर जाऊं तू भी मर जाए, हमने भगवान के लिए अच्छा प्रबंध, समर्पण है, हमको डेडिकेट करनी चाहिए लाइफ इस मिशन के लिए। बाकी क्या संसार से मिलेगा, हैं धक्के मिलेंगे, यम यातनाएं मिलेंगी और कुछ नहीं। अगर हम महाप्रभु के लिए हृदय से डेडिकेटेड हो जाते हैं, महाप्रभु तो जरूर बेड़ा पार करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर हम डेडिकेटेड नहीं होते, हम माया जाल में फंसे हैं, काम से क्रोध और क्रोध से मोह, मोह निरंतर संसार में बना रहता है। इस मोह से देखो हरिदास ठाकुर जो यवन कुल में प्रकट हुए वो भी मुक्त हो गए, जारू ठाकुर एक शूद्र कुल में प्रकट हुए वो भी मुक्त, और बड़े से सारे वैष्णवों की कथा है। अरे पशु पक्षी मुक्त हो गए महाप्रभु की कृपा से, जिसने समर्पण कर दिया, अपने जीवन की डोरी महाप्रभु के हाथ में सौंप दी। तो महाप्रभु का ये जो नाम अपना जो वैष्णव नाम, ये विष्णु सहस्र नाम में आता है। महाभारत में विष्णु सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र, सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांग चंदनांद चंदनांदगी चंदनांगदि संन्यास कृच्छं शांतो निष्ठा शांति परायण। अपनी आधी लीला में बे सुनहरे अंग वाले कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं भगवान, उनके अंग प्रत्यंग सुंदर तथा उनका चंदन लेपित शरीर पिघले सोने जैसा लगता है। शेष लीला में वे संन्यास ग्रहण करते हैं, आदि मध्य और अनंत शेष लीला भगवान ने संन्यास लिया करते हैं, और वे समभाव वाले तथा शांत रहते हैं। वे शांति तथा भक्ति के सर्वोच्च धाम है, क्योंकि वे निर्विशेषवादी अभक्तों को चुप करा देते हैं। ये जो भगवान को जो निराकार मानते हैं, ये ठीक नहीं है। भगवान को निराकार मानने वाले मायावादी कृष्णेरी अपराधी। तो मैं आपको सुना रहा था कि वो भजन, पहला भजन जिसमें पर अंतर्गत और भजन आए कि महाप्रभु जो हैं, तुम्हारा तारित श्री कृष्ण चैतन्य नवदीप अवतार, कलयुग के लोगों को चैतन्य महाप्रभु चाहिए, और महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। लेकिन इन्होंने क्या कहा, अमार आज्ञा गुरु हो या तारो ये देश, मेरी आज्ञा से तुम अपने देश में गुरु बन जाओ। प्रभुपाद इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, कैसे गुरु बनो मैं तो कुछ जानता नहीं। भगवान कहते हैं जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश, जो तेरे को मिलता उसको कृष्ण के विषय में बताओ। जो कृष्ण भगवान ने कहा वो उसको, कृष्ण भगवान ने कहा मेरी शरण में आओ, तुम कहो कृष्ण की शरण में जाओ, बस तुम गुरु बनने लायक हो गए। प्रभुपाद कहते थे डोंट गिव योर उपदेश, अपना उपदेश मत दो, कृष्ण भगवान ने जो कहा कोई भी बन सकता है। कि
किवे विप्रा किवे न्यासी शूद्र केने नाय, महाप्रभु के शब्द हैं, किवे विप्रा ब्राह्मण क्या सन्यासी शूद्र और नाई, नाई जो बाल काटने वाला, किवे विप्रा किवे न्यासी शूद्र केने नाय, जे ही कृष्ण तत्ववेता सो ही गुरु होय। जो कृष्ण के तत्व को जानता है, कृष्ण का तत्व क्या है, कि कृष्ण ही भगवान है, अकाला ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, कृष्ण ईश्वर है, नियंता है, बाकी सब उनके सेवक, उसमें ब्रह्मा शिव इंद्र चंद्र सभी भगवान के सेवक हैं। ये कृष्ण तत्व जो ये जानता है, हैं सब कृष्ण के, भक्ति केवल कृष्ण की करनी और सबका सम्मान करना, तो ये महाप्रभु ने कहा, महाप्रभु स्वयं सिखा रहे हैं, ये कृष्ण तत्ववेता सो ही गुरु। जो कृष्ण के तत्व को जानता नहीं, ऐसे ही है बेचारा, तो गुरु क्या है। कलयुग, कलयुग का प्रभाव बड़ा भीषण है, इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि ये जो मिशन मेरा है, इसमें अगर एक भी धाम को चला जाता है, एक भी, देन माय मिशन इज सक्सेसफुल। कितना रेयर है भगवत प्राप्ति, एक भी अगर भगवत प्राप्ति कर लेता है तो सब बात सफल है। तो तुम्हारा तारित श्री कृष्ण चैतन्य नवदीपे अवतार, तुम ही न कथा दीन हीन जन करी लेना भगवान, तेरे जैसे किंग दीन हीन को भवरूपी सागर से भगवान ने पार कर दिया। फिर बेदेरे प्रतिज्ञा राखी वार तरे रुकमा भरण विप्रसूत, वेद की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए भगवान ने सुनहरी रंग धारण किया, रुक्मावरण विप्र ब्राह्मण के पुत्र विप्रसूत ब्राह्मण के पुत्र बन के आए महाप्रभु नामे, नाम उनका श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, महाप्रभु नामे नदिया माताया, नदिया के लोगों को पागल कर दिया उन्होंने। आप लोग पागल होना चाहते हैं जी? सब चुप हैं, हाल सर भी नहीं ला रहे, तेरे को पता है ना, बाकी थोड़ा सा सर एक नया लाया। अरे कृष्ण प्रेम में पागल तो कोई भाग्यशाली होता है, करोड़ों में कोई एक होगा जो कृष्ण प्रेम में पागल होगा, उसके तो जीवन सफल है। उसमें भगवान ने नदिया के लोगों को कृष्ण प्रेम में पागल कर दिया। महाप्रभु नामे नदिया माताया संगी भाई अवधूत, साथ में उनके बड़े भाई बलराम जी के अवतार अवधूत नित्यानंद प्रभु। बोलो अवधूत नित्यानंद भगवान की जय।